अभी बस नहा के आई तो माता जी ने बताया कि आज गीतों में जाना है, भात नोतने आएंगी एक दीदी। तो मैं सर धो के आई थी और बाल गीले हुए थे, अपना क्लचर ढूंढ रही थी। अक्सर मैं कर्टन के ऊपर लगा देती हूँ लेकिन मेरा क्लचर नहीं मिला। तो अब क्या करना है भाई, जल्दी से अपना पल्लू सेट किया और स्टोल को ऐसे लपेटा। बिना सॉक्स पहने चल पड़ी मैं। जी मेरी जरूर बनाइए, तेरे क्यों ना बनाओ। हाँ गई दे दियो छोटी दियो जी, फिर YouTube पर डाल देगी फिर। मार तो यही करे फिर करे तो मन लगे भाई जी। Yeah.
तो घर आने के बाद मौसम ठंडा था, इसलिए फटाफट माजियर के लिए मैंने चाय बनाई और अपने लिए भी चाय बनाई। ये आराम से चाय बैठ के अपने जमाने की बातें याद करी हैं, किसने सगाई करवाई थी और कैसे क्या हुआ था ससुराल में, ये सारी बातें इन लोगों की चलती रहती हैं। मुझे लगता है जब हम लोग भी ऐसे हो जाएंगे ना, जब हमारे पास कोई काम नहीं होगा करने के लिए, तो शायद ऐसे ही करेंगे। और देखिए छुटकी कितनी रिलैक्स होकर सो रही है आराम से माँ के पीछे, और डुगू भी अंदर जाके सो गया है आराम से, फंक्शन जैसे अटेंड करके आया है। और फिर बस अब मैं थक गया हूँ ये कह के वो सो गया है।